दोस्तों एकदम सडनली कितनी तेज सुना मैंने देख अलार्म कॉल ना सुनी नहीं थी। हाँ दोस्तों अलार्म कॉल होने लगे तुरंत लगेज रखे सीधे और मुंह हाथ धो के जैसा आए ये देखिए और फिर डाल दिया बढ़िया वाला बाकी सीधे यहाँ से निकलते। देखिए दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारी भीड़ हो रही है ये देखिए आप यहाँ पे गाड़ियाँ रुकी है और अलार्म कॉल हुई है ज़बरदस्त। तो दोस्तों बहुत जल्दी कोई मूवमेंट देखने वाली है दोस्तों। देखिए दोस्तों अभी हम यहाँ पे आए थे तो यहाँ पे गुजर फैमिली रहती है तो यहाँ पे क्या है ये हल्ला गुल्ला करने लग गए थे ऐसा लगा जैसे कि बाघ इनके अगल बगल आ गया। बॉडी चेक कर लेंगे। देखिए दोस्तों हम पे वैसे पूरी दो सफारी है। देखिए वैसे होने पे तो एक रात भी है क्या पता कहीं रात को भी दिख जाए क्योंकि आजकल वाटर बॉडी बनी है। ये देखिए दोस्तों ये है रूम एक उधर वाला है जो पर दीपक वाइल्ड लाइफ 04 पहुँचे हैं नैनीताल। देखिए दोस्तों नया दिन नई शुरुआत और देखिए कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं मॉर्निंग से दिखा रहा हूँ आपको नैनीताल व्यू दोस्तों। दोस्तों अभी क्या है अभी का सीन ये है कि अभी मैंने यहाँ से निकलना है अभी मैं जा रहा हूँ जिम कॉर्बेट और मैं आया था नैनीताल यहाँ घूमने और मैं अभी जा रहा हूँ जिम कॉर्बेट। फिर जिम कॉर्बेट से मेरी एक जिप्सी आने वाली है फिर आज मैं जाने वाला हूँ फाटो इको टूरिज्म। दोस्तों आज की जर्नी मेरी वहाँ है और अभी क्या अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ बाकी क्या है थोड़ा ठंडा है लेकिन यहाँ दो दो जैकेट पहनी है। देखिए जैकेट पहनी अभी भाई बहुत ठंडा है ये देखिए पूरा रेडी हो गया हूँ बैग लटकाया है ठंडा बहुत है। दोस्तों एक गलती क्या हो गई टोपी नहीं लाया चलो कोई बात नहीं हेलमेट है वैसे हेलमेट से चल जाएगा बाइक से आया हूँ अपनी तो बाइक से आए हैं दोस्त लोग बाकी यहाँ से मैं सीधा भी जिम कॉर्बेट की ओर निकलूँगा फिर वहाँ से जिप्सी आएगी फिर मुझे ले जाएगी फिर आ रात वहाँ स्टे मेरा फिर सफारी ऐसा है तो आपको ये वाले व्लॉगों में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है दोस्तों बहुत ज़्यादा आपको वहाँ नाइट का माहौल भी दिखाएंगे। आजकल क्या है टाइगर की ग्राउंडिंग चल रही है वहाँ ज़बरदस्त ज़बरदस्त भाई पूरी तो वहाँ मज़ा आने वाला है तो चलते हैं अभी बाकी जो अभी टाइम हो रहा है वो हो रहा है 6:30 सुबह के बाकी चलते हैं सीधे मैंने अभी चेकआउट लेता हूँ फिर निकलता हूँ यहाँ से। ये देखिए दोस्तों अभी हम हैं अपने रूम पे ये था रात को रूम इसमें हमें 3 लोगों को एडजस्ट कर दिया था हम 3 लोग सोए थे ऐसे हैं तो क्या है बाकी मैंने आपको ये रूम दिखा दिया बाकी ये रहा रूम देखिए आपको एकदम अच्छे से दिखा रहा हूँ। दोस्तों ये नैनीताल लेक से 150 मीटर दूर है बस 150 मीटर दूर है बस ज़्यादा नहीं है बाकी ये पूरा रूम हो गया। अब ये हमने साफ किया मेरे दोस्तों लोग चले गए मैंने और एक फ्रेंड ने और साफ किया था मैंने कहा व्यूवर्स को दिखाना है तो थोड़ा अच्छा दिखाने क्योंकि गंदा हो रहा था। बाकी ये किचन है यहाँ पे की थोड़ी किचन हो गई बाकी आपको वॉशरूम दिखाता हूँ बाकी ये रहा इसका वॉशरूम ये देखिए दोस्तों गीज़र लगाया क्योंकि भाई नैनीताल में तो भाई अगर आप बोले तो सुबह शाम का तो ठंडा रहता ही रहता है गीज़र तो भाई चाहिए ही चाहिए मतलब 12 मासी गीज़र चाहिए। बाकी ये रहा वॉशरूम सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों बाकी ठीक है अच्छा है मतलब बजट के हिसाब से सही है। दोस्तों हमने ज़्यादा हाई बजट से रूम नहीं लिया है नॉर्मल बजट से रूम लिया है बाकी हमको ठीक पड़ा रूम काफ़ी अच्छा लगा है यह रूम जो मुझे पड़ा है ये 1500 रुपये का पड़ा है दोस्तों 1500 रुपये का 3 लोग अलाउ कर दिए थे इन लोगों ने बाकी काफ़ी अच्छी ये दी थी इन्होंने हमको ढकने वाला है नहीं। बाकी दोस्तों इधर यहाँ टीवी भी लगा है यहाँ का वाईफाई रहता है इनका खुद का वाईफाई है बाकी टीवी यूट्यूब चल रहा था कल तो मैंने यूट्यूब चलाया ठीक है बाकी आपको मैंने बाहर से तो पूरा ही दिखा दिया ये देखिए ये बाहर से था इधर नाली है और ये देखिए अभी उजाला हो गया अब निकलते दोस्तों यहाँ से काफ़ी टाइम हो गया मुझे क्योंकि मैंने वहाँ टाइम पे पहुँचना है
टाइम पे पहुंचूंगा तो टाइम पे सफारी भी अपनी होगी बढ़िया वाली। तो दोस्तों वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों हम आपके लिए वाइल्ड लाइफ की एक से एक जर्नी लेके आने वाले हैं, बाकी वहाँ जाके मैं कंफर्म करूँगा। शायद मुझे जहाँ तक है कि आज ही है, क्योंकि मैं पिछली बार भी गया था, मैं तीन दिन पहले गया था वहाँ। आपने ब्लॉग आ गया होगा मेरा, आगे मतलब अभी अपलोड नहीं किया है, यहाँ से तो अपलोड नहीं हुआ है, एक दो दिन में वो भी अपलोड हो जाएगा। तो क्या है बाकी वो जब वाला ब्लॉग आएगा तो आप वाला ट्री हाउस भी देख लेंगे, तो आपको वहाँ भी मज़ा आने वाला है। देखिए अभी जिम कॉर्बेट में कई सारे जोन है, अभी पीलीभीत भी, अभी फ्यूचर में हमारा पीलीभीत का प्रोग्राम भी है दोस्तों, पीलीभीत भी निकलना है, हमने दुधवा निकलना है, किशनपुर, काफ़ी सारी प्लानिंग है दोस्तों, काफ़ी सारी। आपको मेरे चैनल पर बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। बाकी निकलते हैं यहाँ से सीधे। A few moments later. ये देखिए दोस्तों अभी हम हैं बेल प्लाव पे। दोस्तों आपने हमें सुबह देखा होगा कि हम उस टाइम पे थे नैनीताल, और अभी हम पहुंच गए हैं, और अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है दोस्तों 1 बजे, दिन के बज गए हैं 1। और आज की हमारी जो जर्नी है वो है फोटो इको टूरिज्म, और दोस्तों आज हमारा क्या है वहाँ नाइट स्टे है, तो हम टाइम पर जा रहे हैं। वैसे 1:30 बजे गेट है, लेकिन क्या है थोड़ा लेट पेट हो गई थी। बाकी यहाँ से निकलते हैं सीधे, एक बार आपको पंकज जी से मिला देते हैं। क्या है पंकज जी, कैसा चल रहा है? तो आपने पिछली वीडियो पे देखा ही होगा फाटो ही गए थे, इस बार भी दोस्तों फाटो ही जा रहे हैं, और इस बार तो नेट स्टे है वहाँ। बाकी चलते हैं सीधे और मिलते हैं आपको एंट्री गेट पे। देखिए दोस्तों अभी हम हैं मालधन में, ये देखिए ये मालधन का जंगल है दोस्तों, 64 नंबर। ये देखिए कितना ज़बरदस्त है दोस्तों, इस रोड में विलेज वाले चलते हैं, ऐसा नहीं है कि ये सफारी रोड है, ये विलेज को भी जाती है रोड। इससे आगे 5 किलोमीटर आगे फिर फाटो इको टूरिज्म का गेट पड़ता है दोस्तों, लेकिन यहाँ भी काफ़ी मूवमेंट है टाइगर की। देखिए आप पूरे चारों तरफ देखिए पूरे जंगल है, बहुत घना जंगल है दोस्तों। ये फाटो में रास्ता बन रहा है, अभी जो बरसातों में थोड़ा ख़राब हुआ था ये देखिए, और फाइनली पहुंच गए हैं एंट्री गेट पर दोस्तों। एंट्री करा के हम चल पड़े हैं अपने जर्नी की ओर। पहले हम अपने देखिए दोस्तों अभी क्या है, अभी हम वैसे तो सफारी टाइम शुरू हो गया है, 1:30 बजे से सफारी टाइम शुरू हो जाता है, बट थोड़ा लेट हो गए थे तो अभी सफारी अभी शुरू हो गई है, और जो स्टे वाले हैं वो भी निकल रहे हैं, अंदर ही को जा रहे हैं, उसको लेट हो जाती है तो सफारी टाइम पे ही हो जाता है अपना। अरे अभी हम क्या करेंगे, अभी बैग रख के सीधे अपना थोड़ा चेंज वेंज करके फिर सफारी पर निकलेंगे दोस्तों, और क्योंकि अब सफारी टाइम भी शुरू हो गया है। पहले तो हम जाते जाते सीधे वाटर बॉडी चेक भी कर लेंगे ना, क्योंकि क्या है अपना सफारी टाइम तो शुरू हो ही गया है। बाकी जहाँ जाते कई वाटर बॉडी चेक कर लेंगे। देखिए दोस्तों हम पे वैसे पूरी 2 सफारी है, देखिए वैसे होने पे तो एक रात भी है, क्या पता कहीं रात को भी दिख जाए, क्योंकि आजकल वाटर बॉडी बनी है वहाँ पे भी टाइगर काफ़ी आ रहा है बता रहे हैं। बाकी चलते हैं जो होगा देखा जाएगा दोस्तों, आज हम टाइगर को कुछ भी नहीं बोलेंगे आज ना, मतलब सोचेंगे उसके बारे में, जो देखेगा वो हमारा बोनस होगा, जो हम हर बार की तरह बोलेंगे हमने तो भाई जंगल इंजॉय करना है, टाइगर खुद ही दिख जाएगा जो है। बाकी सीधे चलते हैं यहाँ से। ये देखिए दोस्तों ना कुछ एलिफेंट टाइगर, हाथी चले हैं दोस्तों, हाथी के फुटप्रिंट दिख रहे हैं। दोस्तों कई सारे बंदे सोचते होंगे कि दीपक भाई क्या है फाटो ही जाने में रहते हैं, अभी क्या है कि
मैं आपको पहले बोला था जब मॉनसून चल रहा था तो रिवर पे हम जब व्लॉग बना रहे थे तो मैंने बोला था कि दोस्तों जब तक वो कप्स वाले दिखेगी नहीं तब तक भाई ड्रीम साइटिंग नहीं रहेगी फाटो में अपनी। वो दोस्तों मेरी ड्रीम साइटिंग है, मुझे देखना है उसको जो है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर वो दिख जाएगी तो फिर मज़ा ही आ जाएगा दोस्तों, उसको देखना मेरी एक तमन्ना है बहुत अच्छी सी दोस्तों। मुझे देखना है कि वो कितना बड़ा हो गया है उसका कप्स टाइग्रिस का। देखिए आगे जिप्सी रुकी तो है, देखते हैं क्या माहौल है। देखिए दोस्तों अभी हम मचान पे ही हैं और यहाँ पे जो गाड़ी आई है ये देखिए जो भैया आए हैं ये बोल रहे कि मैंने अभी एक झलक टाइगर की देखी, वो एकदम अंदर को चला गया क्योंकि वहाँ पे क्या था हाथी खड़ा था, एलिफेंट था तो टाइगर अंदर को चला गया। बाकी यहाँ पे इंतज़ार करते हैं दोस्तों। अभी पहली वाली गाड़ी को तो दिख गया था आधा हिस्सा, दिखा बता रहे पूछ दिखी थी। देखिए दोस्तों वहाँ पे अभी हमने वेट करा था बट क्या है ना कि जो पहली वाली जिप्सी आई थी उन्होंने देखा, वो बोल रहे थे कि टाइगर आ ही रहा था, उसने जिप्सी देखी तो बैग चला गया। तो उन्होंने आधा हिस्सा देखा बस, जब वो मुड़ा ना बैक साइड तो उन्होंने आधा हिस्सा देखा बता रहे। बाकी फिर उसके बाद हमने वहाँ पे थोड़ा वेट किया तो पंकज जी बता रहे थे कि चलने की आवाज़ आई, पंकज जी को आई, मुझे तो नहीं आई, मैं बता रहा हूँ कि पंकज जी को आई, उनको लगा कि आदर चल रहा है। तो वहाँ पे वेट करा हमने 15 मिनट करीब लेकिन कुछ हुई नहीं हलचल। बाकी चलिए देखते हैं, पहले सब वाटर बॉडी चेक करते हैं क्या पता कहाँ पे क्या मिल जाए दोस्तों, ये तो वाइल्ड लाइफ है। ये देखिए अभी हम आ गए हैं पिंक वाटर होल दोस्तों। ये देखिए पिंक वाटर बॉडी। अभी हमने पिंक वाटर होल पे थोड़ा वेट किया लेकिन वहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं थी। बाकी हम थोड़ा फिर आगे आ गए क्योंकि क्या है धूल धड़ाका थोड़ी ज़्यादा है। तो अभी हम क्या है अपने लगेज बैग सब रख के आते हैं अपने रूम पे, फिर निकलेंगे सफारी की ओर। अभी देखते हैं जहाँ जहाँ पे मोमेंट लगेगी वहाँ पर वेट कर लेंगे, वरना सीधे अपने कैंपस की ओर चलते ही हैं दोस्तों। फिर हम पे शाम 5:30 बजे तक की सफारी रहेगी प्रॉपर। आज का स्टे जो है ये देखिए दोस्तों, ये है रूम जो ऊपर हेड से दिखता है, ये है वॉशरूम कैसा है ये। ये देखिए दोस्तों फेमस। बाकी इधर रहा ये रूम और यहाँ से बाहर का व्यू। बाकी बैग आगे रख लिए। बाकी यहाँ से विंडो है दोस्तों, ये देखिए ये बाहर का यहाँ से व्यू। बाकी कर्टन हो गए बढ़िया वाले, ये देखिए फैन हो गया, लैंप हो गया, ये है दोस्तों नज़ारा। ये वॉशरूम है साफ सुथरा क्लीन। चलिए एकदम सडनली कितनी तेज सुना मैंने, देख अलार्म कॉल ना मैंने सुनी नहीं थी। हाँ दोस्तों अलार्म कॉल होने लग गए तुरंत, लगेज रखे सीधे और मुहा धोखे जैसा आए, ये देखिए और फिर डाल दिया बढ़िया वाला। बाकी सीधे यहाँ से निकलते हैं दोस्तों, अलार्म कॉल हो रही है जबरदस्त वाली। देखिए दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारी भीड़ हो रही है, ये देखिए आप यहाँ पे गाड़ियाँ रुकी है और अलार्म कॉल हुई है जबरदस्त दोस्तों। बहुत जल्दी कोई मूवमेंट देखने वाली है दोस्तों। देखिए अभी एंटर हुए हैं, क्या माहौल बनता है देख लो। चलिए चलते हैं यहाँ पे,
देखिए दोस्तों, अभी हम यहाँ पे आए थे तो यहाँ पे गुज्जर फैमिली रहती है, तो यहाँ पे क्या है, ये हल्ला गुल्ला करने लग गए थे। ऐसा लगा जैसे कि बाघ इनके अगल बगल आ गया। दोस्तों पूरी मूवमेंट चल रही है जंगल में, पूरा जंगल हलचल में है। दोस्तों क्या है ना कि अभी यहाँ पे बताया कि टाइगर क्रॉस हुआ, दो जिप्सी वालों ने देखा, एलिफेंट पीछे से आ गया। भाई हम क्या रह गए, देखिए हम अपने कैंपस में रह गए। दोस्तों मैंने बताया ना कि हम पहले अपना बैग वैग रख के आएंगे, उतने में माहौल बन गया भाई यहाँ। अब देखिए अभी कर ही रहे हैं, कोई बोल रहा है कि इधर कोई टाइगर आया है, क्या पता वाटर बॉडी के साइड जाएगा। अब हम क्या है, हम उधर को ही जा रहे हैं वाटर बॉडी की ओर। दोस्तों देखिए हम पे शाम तक का वक्त है, अभी 3 घंटे की सफारी और है दोस्तों हमारी। देखते हैं क्या है, देखने में जो दिखेगा दोस्तों। आगे हम तो नेचर को एंजॉय कर रहे हैं, मूवमेंट तो दिखी जाएगी। चलिए चलते हैं। देखिए दोस्तों अभी हम हैं ग्रीन वाटर हॉल पे और यहाँ पे वेट कर रहे हैं। ऊपर ब्लैक फेस मंकी देखिए, हम ग्रीन पे वेट कर रहे थे, अब यहाँ से निकलते हैं जो है। ये देखिए ग्रीन वाटर हॉल, देखिए दोस्तों अभी पिंक वाटर हॉल पे वेट कर रहे हैं टाइगर का, काफ़ी देर से कर रहे हैं। ईगल बैठा एक, ईगल ईगल ये देखिए, चलिए दोस्तों चलते हैं यहाँ से, काफ़ी वेट कर रहे हैं इधर। 1 घंटा पूरा वेट करा दोस्तों यहाँ, कब से रुके थे, बहुत टाइम हो गया था। अभी क्या है, जो डेविजिट सफारी की गाड़ी भी आती है वो भी चले गई है, और जितनी गाड़ियाँ नेटिस्ट वाली है, बाकी अभी 20 मिनट और हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों पूरी मेहनत लगी है। दोस्तों उसमें क्या ना, बस 5 मिनट का अंतर रहा, 5 मिनट में वहाँ टाइगर स्पॉट हो गया।